एक दिन छगन प्यारे अपने पिताजी के साथ बैठ के यूं ही चिल कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था आलिया और रणबीर कपूर का प्री वेडिंग शूट देखने गया हूं मैं, उसके बीच में थोड़ी सी मूवी डाल दी उन्होंने, कि तभी अचानक उनका फोन बजता है। हेलो, यस डिटेक्टिव छगन स्पीकिंग। अरे हेलो छगन भाई, मैं एसीपी जॉय बोल रहा हूँ। एक्चुअली मिस्टर ए ने महारानी का हार चोरी कर लिया है। महारानी का हार चोरी हो गया है, मिस्टर ए ने चुराया है। जी हाँ, आप क्या है, हमारी तो नौकरी जो है चली गई है, तो हम चाहते हैं कि वो हार आप ढूंढ कर लाएं। मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? अरे छगन भाई, आप तो छगन भाई है ना, छगन डिटेक्टिव छगन, आप तो कुछ भी कर सकते हैं आप। अरे सुनिए तो सही, कह रहा महारानी का हार चोरी हो गया, किसी मिस्टर ए ने चुराया, जाओ ढूंढ के आओ। मैं कहाँ से ढूंढ के आऊँ? महारानी का वही हार तो नहीं, वो जो पप्पी बॉस ने चुराया था। कौन से पप्पी ने चुराया था भाई? पप्पिया कब से महारानी का हार चुराने लगी? पप्पी तो ऐसे। अरे वो पप्पी बदमाश, वो गोलमाल फिल्म। मानते हो ना पप्पी भाई का भेजा? अरे लेफ्ट हैंड से जो हार को मैंने साफ किया। अच्छा हाँ, पप्पी बॉस ने चुराया था महारानी का हार। पर इससे क्या पता चलता है, मैं क्या करूंगा भाई? पप्पी पहले पप्पी बॉस ने चुराया, अब मिस्टर ए ने चुरा लिया, पर मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? अरे भाई वसूली भाई, वसूली भाई। अरे सुबह पनवेल निकलना है। कल सुबह पनवेल निकलना है। वसूली भाई को सुबह पनवेल निकलना था। सोच। पर क्यों निकलना था? सोच। क्योंकि महारानी का हार वसूली भाई को पता है कहाँ पे है। भाई तुम तो जीनियस हो भाई, अब तो महारानी का हार ढूंढने पनवेल जाना पड़ेगा। जीनियस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पनवेल निकलना है। महारानी का हार मिस्टर ए ने चुरा लिया है, और मिस्टर ए जो है वो हार लेकर कहाँ भाग गया है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वसूली भाई को पनवेल क्यों निकलना था? उनका महारानी के हार से कुछ लेना देना है? और अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम पहुंच गए पनवेल, और मिस्टर वसूली का पता लगाना जरूरी है। अपने को लगता है वसूली भाई वहां पे शायद कहीं है। वो देखो वो स्विगी वाले है ना, स्विगी वालों को सब पता होता है। हेलो एक्सक्यूज मी भैया, आई एम डिटेक्टिव छगन। मैं एक्चुअली वसूली भाई को ढूंढ रहा था। वो बोल रहे थे कि उनको पनवेल निकलना है, अब मैं पनवेल पहुंच गया हूं तो वो मिल नहीं रहे हैं। कुछ आइडिया आपको कहां हो सकते हैं? कॉल करना जरा। आप नंबर लगाएंगे उनका? भैया ने फोन मिला दिया है वसूली भाई को। तुमचा डायल किया नंबर मौजूद नहीं है, ये तो बोल रहा है भैया नंबर मौजूद नहीं है। वो चूना लगा दिया। आ जाइए भैया, भैया हमको जो घुमा रहे हैं पनवेल में, तो मिल जाएंगे ना वसूली भाई? नहीं 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 मिले। यहाँ है ही नहीं। मुझे काफी शॉक हुआ और मेरे दिल में थोड़ी सी दर्द भी हुई है सुन के हमारे कैब वाले भैया को लगता है कि वसूली भाई पनवेल में है ही नहीं, और अपना टूटा हुआ दिल लेकर बस हम वहाँ से निकलने ही लगे थे कि तभी अचानक। फैन हूँ सर, यूट्यूब वगैरह देखते हैं आपके सब। आई एम हियर टू फाइंड वसूली भाई। वसूली भाई वो बोलते रहते हैं कल सुबह पनवेल निकलना है, पर वो क्यों निकलना है मैं पता लगाने आया हूँ। यहाँ पे के। तो वसूली भाई वहाँ मिल सकते हैं? वसूली भाई वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको। तो गाइस अभी हम जाएंगे वसूली भाई को ढूंढने। कहाँ पे? वड़ाई तड़ाव लेक वड़ाई तालाब। अच्छा तालाब, हाँ वो समझ गया मैं, वो लेक है गाइस। तो अभी हम वहाँ जाने वाले वसूली भाई को ढूंढने, शिवड़े वाले करके उनका वड़ा पाव एक बार पक्का ट्राई कीजिए। शशि भाई का वड़ा पाव। चलिए शशि का वड़ा पाव खाने चलते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत भूख लग रही है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसके बाद जैसे कि हमारे कमाल के सब्सक्राइबर्स ने बताया कि वसूली भाई वड़ा तालाब पे मिल जाएंगे, तो हम निकल पड़े उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि शशि का वड़ा पाव जो है पूरे पनवेल में फेमस है, तो बहुत भूख लग रही थी इसलिए हम ढूंढने लग गए। शशि भाई का वड़ा पाव नहीं दिख रहा है, वो देखो वहाँ पे एक पनवेल फेमस वड़ा पाव है, एक न्यू पंजाब है, पर क्या हमको शशि का वड़ा पाव मिलेगा? मुझे लग रहा है गूगल ने हमको धोखा दिया है, शशि का वड़ा पाव नहीं है। गर्मी बहुत है तो हम सोचे थोड़ा अपनी टोपी पहन ले। स्मार्ट कैप आ जाइए। एक्सक्यूज मी भैया, भैया शशि का वड़ा पाव किधर होगा? सामने है। शशि का वड़ा पाव किधर मिलेगा? शशि का वड़ा पाव 100 मीटर पर राइट।
मीटर है, 50 मीटर है, यही राइट में। हाँ शशि के वड़ा पाओ, ऑटो में तो नहीं होगा शशि का वड़ा पाओ। शशि बड़े वाले, हमें किसी रैंडम सब्सक्राइबर ने बोला था कि शशि भाई के वड़ा पाव खाओ, तो हम लेजिट 10-15 मिनट दूर शशि के वड़ा पाव खाने आ रहे हैं। अब आई होप ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेट्स गो। शशि का वड़ा पाव भैया को भी लेके दिया है, भैया भी ट्राई करने आ रहे हैं पहली बार। और पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े हम वड़ाए तलाव की तरफ वसूली भाई को ढूंढने के लिए। वड़ाए तलाव तो एक तलाव ही है, सब बोल रहे थे वड़ाए तलाव, तभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो वड़ा ले तलाव है, तो वो उसको वड़ाए तलाव बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो गया था। पर अब यहाँ पे वसूली भाई कहाँ ढूंढूं मैं। वसूली, वहाँ पे कुछ दीदियाँ दिख रही हैं, मैं सोच रहा हूँ दीदियों से पूछ लेते हैं, शायद उन दीदियों को पता हो कि वसूली भाई कहाँ हैं। मैम आपको पता है कि वसूली भाई किधर मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं है? अरे वो कह रहे थे कल सुबह पनवेल निकलना है, मैं पनवेल पहुँच गया हूँ, वो मिल नहीं रहे हैं। वसूली भाई स्कैमर तो नहीं है? वसूली भाई, वसूली भाई की फुटबॉल रह गई वहाँ पे, वसूली भाई यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे। ये शायद भैया को पता हो वसूली भाई कहाँ है। भैया आपको पता है वसूली भाई किधर मिलेंगे? वो वसूली भाई ना महारानी का हार लेके भाग गए हैं, कुछ आइडिया है कहाँ मिल सकते हैं? वड़ाले लेक तो हमने पूरा जो है देख लिया है, काफी बढ़िया है। नीचे तो मैं उतर आया था पर ये हाइट काफी ज्यादा है, चढ़ू कैसे? And so continued our search for वसूली भाई। और ये भैया मिले जिन्होंने हमें बताया कि वसूली भाई का अड्डा कलावंतिन दुर्ग पे है, तो बस फिर भैया ने बोला कलावंतिन दुर्ग, तो निकल लिए उसकी तरफ। वहां पे उन्होंने हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि वसूली भाई जो है उनका अड्डा जो है वो कलावंतिन दुर्ग पे है, और अभी हम वही जा रहे थे, उसी के रास्ते में है। एज यू कैन सी द रास्ता इज अमेजिंग, एंड यहाँ पे जो हमारे भैया जो है वो थोड़ा सा पेशाब करने के लिए रुक गए थे, तो मैंने सोचा काफी अच्छा व्यू है तो इस व्यू का आपको नजारा दिखाऊं मैं। इतनी पतली सी सड़क है जिसपे होके हम जा रहे हैं, एंड ओके तो वहाँ पे थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है मेरे को, 3-4 कुत्ते ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, डॉगीज। मैं इनके पास जाऊंगा अगर तो ये मेरे पीछे तो नहीं भागेंगे। बच्चे लोगो, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग। ये वाला मेरे को थोड़ा सा ज्यादा डेंजर लग रहा है, ये जो इधर है ना। पीस ब्रो, आई लव यू, निकल यहाँ से, निकल। एंड भैया का हो गया है मूत्र विसर्जन, ले आओ भैया गाड़ी। मैं थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ पे फ्रेश हवा खा रहा हूँ। पीछे गाड़ी आ रही है, लेकिन तुम्हारा भाई पैदल चलता है क्योंकि फिटनेस फ्रीक। ठीक है समरिया, भैया रेस हो जाए। मेरी जीन उतर गई है। अरे भैया ज्यादा दूर निकल गए, रुक जाओ भैया। भैया मुझे छोड़ के जा रहे थे, अरे मजाक कर रहा था मैं, थकता नहीं हूँ मैं। आर यू कॉमेडी मी? भैया ये हम यहाँ पे रुक क्यों गए हैं? सर रास्ता यहीं तक है। ये तो इसके ऊपर मतलब अब पैदल? हाँ सर चल के चलना। अबे यार अभी तो बहुत ऊपर है, कितनी दूर दिखा रहा है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है। 3 किलोमीटर? अब क्या 3 किलोमीटर पहाड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी? तो आप भी चलोगे भैया? जी सर जी। आप है हमारे साथ तो डरने की तो बात है ही है। अभी जो है 3 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा कलावंतिन दुर्ग पहुंचने के लिए। खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, आई कैन डू इट। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, पानी लेके जाना भी जरूरी है। भैया आप रेडी हो? सब कुछ रेडी है, चले चलो भाई। कम ऑन फ्रेंड, आइए भाई चढ़े। बिल्कुल ही 90 डिग्री की ये चढ़ाई, पर हर मैदान फतेह। भैया जो है थोड़े से थक गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं तो थकता नहीं हूँ। हाय, या श्योर? बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ। वसूली भाई है ना ऊपर? हाँ। ओके तो भैया ने कंफर्मेशन दे दिया, वसूली भाई ऊपर ही मिलेंगे। भैया मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, देखो कैब वाले हैं लेकिन स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं। इन्होंने जितना मेरा साथ दिया ना, आई लव यू भैया। तुम बहुत मस्त काम करते हो मिठू भाई। भैया बस एक चीज मैंने आपसे पूछी नहीं, जब से हम साथ में बैठे हैं कितने 4-6 घंटे हो गए हैं साथ में घूमते हुए। भैया आपका नाम तो बताया नहीं आपने। वसूलेश्वर शर्मा। ठीक है भैया, चलिए चलिए। एक
सेकंड, हम जब से पनवेल आए हैं हमने जिस से बोला कि वसूली भाई कहाँ है, वो बंदे ने यही बोला हमें नहीं पता, और फिर हमें देख के स्माइल मारने लग गया। पहला बंदा मिला वो भी हमें देख के हंस रहा था, दूसरा बंदा भी हमें देख के हंसा। अभी जो मैं अपना एसीपी प्रद्युमन वाला दिमाग घुमा रहा हूं, तो भैया ने अपना नाम बताया वसूलेश्वर शर्मा, और हर कोई जानता था कि वसूली भाई कहाँ है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब वसूलेश्वर शर्मा ही वसूली है। क्या बात कर रहे? तब भी तो मैं बोलूं हर कोई क्यों हम पे हंस रहा था, क्योंकि वसूली भाई तो स्टार्टिंग से हमारे साथ में थे। वसूली भाई मोड़ा, यही है वसूली। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वसूलेश्वर भाई मैं ये पूछ रहा था कि महारानी का हार किधर है। सच सच बताओ, बताओ महारानी का हार किधर है। भाग क्यों रहे हो, रुको। अरे रुक जाओ। वो जानता था महारानी का हार कहाँ है, वही वसूली था। बस ये जीन, ये ढलकती रहती है ना, नीचे गिर जाती है, इसलिए भाग नहीं पाया मैं, वरना तो पकड़ लेता उसको भाग के। लेकिन उसकी जेब से कुछ गिरा है, मैंने देखा है। पानविलास, ओह ये रहा, ए का वही निशान। इसका मतलब ये मिस्टर ए को जानता था, ये मिस्टर ए का ही आदमी था। सही लगाया था मैंने दिमाग। और ये क्या लिखा है, 3 किलो, पता लगाना पड़ेगा। पर फिलहाल वापस चलते हैं। एक सेकंड, वापस कहाँ जाएंगे? वो वसूली भैया वो ही तो कैब वाले थे, वो तो भाग गए कैब लेके। अब पैदल पहुंचना पड़ेगा घर। और फिर कई हजार पहाड़ियां, 300 नाले, 6,000 समुद्र और 10,000 शहरों को पार करने के बाद तभी मेरा सामना हुआ एक बड़े दिल वाले बाहुबली से। कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा। जिसे ढूंढा हमने गली गली, वो तो हमारे ही पिछवाड़े में निकला, वो तो हमारे साथ ही निकला। भैया देंगे मेरे को लिफ्ट, ये मेरे को मेरे रखवाले लग रहे हैं। अंकल लिफ्ट, क्या आप मेरे को लिफ्ट देंगे? तो मैंने अंकल को अपनी पूरी कहानी बताई और मैंने उन्हें कहा कि अंकल मेरा होटल बस 100 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप छोड़ेंगे मुझे? एंड अंकल वाज लाइक या श्योर, आ जाओ बैठ जाओ। तो मैं पीछे बैठा, उनके अंकल जी ने एक्चुअली में बाइक भी घुमा ली और सच्ची में निकल पड़े मेरे होटल की तरफ। जोक्स असाइड, वीडियो असाइड, अंकल जी सच में 100 किलोमीटर दूर मेरे को छोड़ के आने के लिए तैयार थे। अंकल जी ओपी, कहा देखा है ऐसा महाबली बाहुबली, ऐसा दिलदार, ऐसा दयालु, रक्षकों का रक्षक। लेटर दैट सेम इवनिंग हमें वहां पर सुराग मिला 3 kg, यानी कि K3 बार और G1 बार, यानी कि K3G, यानी कि कभी खुशी कभी गम। तो मैंने अपने दिमाग दौड़ाया और मैंने सोचा कि कभी खुशी कभी गम और महारानी के हार में क्या ही रिलेशन हो सकता है। तभी मुझे मेरे गुरुदेव एसीपी प्रद्युमन ने जो शिक्षा दी है उससे मेरे को समझ आया, कभी खुशी कभी गम में महारानी यानी कि रानी, यानी कि रानी मुखर्जी, बॉलीवुड की रानी, उसकी हार हुई थी। हार कैसे हुई थी रानी की? रानी की हार ऐसे हुई थी कि शाहरुख ने रानी को छोड़ के काजोल से शादी कर ली, जबकि शाहरुख के पिता चाहते थे कि वह रानी से शादी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने काजोल से शादी करी, रानी से नहीं। तो रानी हार गई। लेकिन अगर केथरी जी में रानी हार गई तो रानी की जीत कब हुई? कुछ कुछ होता है में, कुछ कुछ होता है में शाहरुख ने काजोल से शादी ना करके रानी मुखर्जी से शादी करी थी, यानी कि रानी की जीत हुई। लेकिन अगर रानी की जीत हुई तो उससे क्या हुआ? रानी की जीत पर शाहरुख और रानी की बेटी हुई, यानी कि अंजलि। समझ गए? यानी कि हमारा अगला सुराग है अंजलि। अंजलि को ढूंढना है। I'm such a genius. Sherlock Holmes जानते हो? मैंने ही तो सिखाया उसको। और अगले दिन निकल पड़े हम अंजलि को ढूंढने। अंजलि, 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 अंजलि। भैया आपने अंजलि को देखा है? अंजलि को नहीं जानते मैम? आपकी अंजलि तो नहीं, अंजलि आप अंजलि हैं? अरे आपकी अंजलि है ना। अंजलि, अंजलि मेरी बात को सुनो। अंजलि लगता नहीं हूँ मैं, भाग के पकड़ लेता अंजलि को, बस बोलते मेरी जीन ढलक जाती है। अभी लिफ्ट मांग लेता हूँ किसी से। वो भैया ऑटो का पीछा करने चलेंगे? चलेंगे, चलेंगे, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। भैया वो आगे गया ऑटो, उसको पकड़ना है। भैया थोड़ा सा इधर से राइट और ये, हाँ ये लेफ्ट को मुड़े हो जाए। छगन लाल है, डिटेक्टिव छगन। अरे
थैंक। अरे अंजलि किधर मिलेगी आपको कुछ आइडिया? ऊपर गई है। ऊपर है? हाँ। मिल जाएगी वहाँ पे। लेट्स गो गाइस। अंजलि, अंजलि, एक्सक्यूज मी, अंजलि किधर है? उधर तो इस जगह पे हमें पहुंच के पता चला कि अंजलि जो है वो बंजी टावर के ऊपर चढ़ गई है। तो बस फिर उसका पीछा करने के लिए हम भी तैयार हो गए। रानी का हाथ बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे हम। अरे बाप रे, ऊपर जाना पड़ेगा। अंजलि, आई एम कमिंग। अब 100 फुट के इस टावर के ऊपर तो मैं चढ़ गया, लेकिन टॉप पे पहुंच के पता चलता है कि अंजलि तो मेरे आने के डर से ही नीचे कूद गई। अब उसका पीछा करने के लिए भैया ने बोला तुम भी बंजी जंपिंग करो। मैंने भी कहा ठीक है भाई, अंजलि को ढूंढने के लिए ये भी कर लेंगे। पैर बांध दिए जा रहे हैं। सच्ची बोलूं तो मेरे को ना एक काइंड ऑफ फोबिया है। हाइट से नहीं डर लगता है, बस बंजी जंपिंग से डर लगता है। रेडी सर? हाँ भैया, नीचे अंजलि मिलेगी ना? मिलेगी ना। अंजलि मिलेगी? अरे अंजलि कहीं तेल ले रहे, बहुत दर्द हो रही है यार, उतार दो प्लीज, प्लीज गेट मी डाउन प्लीज। भैया उतार दीजिए भैया प्लीज जल्दी। भैया सबके ही होता है क्या इतनी दर्द? नॉट इवन किडिंग, मेरे आंसू आ गए। मजाक नहीं कर रहा, अपनी लातें नहीं फील हो रही। वीडियो से हटके उस दिन मेरे एक्चुअली में आंसू निकल गए थे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी लाइफ में फिर से कभी नहीं लेना चाहूंगा। मेरी लातें इतनी पेन हुई थी, ऐसा लग रहा था ब्लड क्लॉट हो गया है पूरा। फियर ऑफ डेथ ओवरकम कर लिया है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एनीवेज बंजी जंपिंग कर ली मैंने और अंजलि तो कहीं दिखी नहीं। उसके बाद वहां से हम पहुंच गए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। इतनी भयंकर भूख लग रही थी। मैं बड़ा मैसूर मसाला डोसा लिमका और भी भैया को बोला जो है सब दो दो ले आओ। और खाना खाने के बाद बिल देके मैं बस निकलने ही लगा था, लेकिन तब भी रेस्टोरेंट के ओनर ने मेरे को पहचान लिया। बताओ यार, आप यहाँ पे कैसे? मैं जो है महारानी का खोया हुआ हार ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया था। अच्छा। मैं अंजलि की तलाश में था, पर अंजलि तो मेरे को कहीं मिली नहीं। अंजलि? हाँ मैं ही तो हूँ अंजलि। अंजलि? बाहुबली, बाहुबली जिसको ढूंढा गली गली, लड़का निकला वो अंजलि। आए इतनी देर से अंजलि को ढूंढते ढूंढते कभी ये नहीं सोचा था कि अंजलि लड़के का भी नाम हो सकता है, बट ठीक है भाई, इट्स हिज चॉइस। तो यही सोचते सोचते मैं अपने होटल वापस पहुंचा। जब ही मैं सोच रहा था कि बाहुबली बाहुबली बोल के अंजलि भैया हमको क्या बताना चाह रहे थे, अंजलि भाई ने हमें बताया बाहुबली, बाहुबली महारानी का हार, महारानी का हार और बाहुबली के बीच में क्या रिलेशन है। बाहुबली महारानी, बाहुबली में महारानी, महारानी यानी महारानी शिवगामी, महारानी शिवगामी की हार बाहुबली में कब हुई थी? जब बाहुबली मरा था। बाहुबली कैसे मरा था? कटप्पा ने मारा था बाहुबली को। इसका मतलब कटप्पा ने बाहुबली को मारने के साथ साथ महारानी का हार भी चुरा लिया है। आए? ओह, I'm a genius। इसका मतलब मिस्टर ए ही कटप्पा है। इसका मतलब महारानी के हार को पाने के लिए अब मुझे महेशमती जाना पड़ेगा कटप्पा को ढूंढने, यानी कि मिस्टर ए को ढूंढने। कौन है ये मिस्टर ए, कौन है कटप्पा? ये सब राज की बातें तो अगली वीडियो में पता चलेगी, जब मैं एक्चुअली महेशमती जाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करो, तभी अगला पार्ट आएगा। जा रहा हूँ मैं महेशमती पता लगाने कौन है मिस्टर ए और महारानी का हार। आके रहेंगे। सी यू।